ध्यान से सुनना, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ऑर्डर 9, रूल 13, ये जो ऑर्डर है ये डिक्री को सैटिस्फाइड करने के लिए बोलता है, जो कि एक्स पार्टी। ठीक है, कल हमारी बात हो रही थी ना, एक्स पार्टी डिक्री सैटिस्फाइड होती है क्या? हाँ हाँ बोलो, और बता इसके बारे में आपने कहा था कि और एक्सप्लेन करोगे। किसके बारे में। ऑर्डर 9 रूल 12। ओके, ऑर्डर 9 रूल 12 पे फिर से आ जाओ। ऑर्डर 9 रूल 12 क्या बोलता है? कॉन्सिक्वेंसेस है ना ऑफ नॉन अटेंडेंस, अगर आप नहीं आते हो तो उसका जो भुगतान है वो करना पड़ेगा। अगर ऐसी बात है तो विदाउट सफिशियंट कॉज शोन, यानी बिना किसी रीजन दिखाए अगर कोई पार्टी को ऑर्डर किया जाता है कोर्ट के तरफ से कि आप इन पर्सन, यानी कि आफताब, आप कोर्ट में चल के आए हमारे सामने। ये कौन बोल रहा है? कोर्ट बोल रहा है। किसे बोल रहा है? आफताब से कह रहा है। आफताब कौन है? इन पर्सन है। आया समझ में? आगे बढ़ते हैं। वेर अ प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, जहां वादी और प्रतिवादी को ऑर्डर किया गया है कि आप आ जाएं इन पर्सन, और वो नहीं आता है, तो अगर नहीं आता है उसको सफिशिएंट कॉज दिखाना पड़ेगा कि भैया मैं क्यों नहीं आ पाया, मैं बीमार था, मैं आउट ऑफ स्टेशन था, मेरी ये मजबूरी थी जिस वजह से मैं कोर्ट में नहीं आ पाया। अगर आप कोर्ट में फेल होते हो अपियर होने के लिए, ये फेल कोई वो फेल नहीं है जो आप एग्जाम में फेल होते हो, ये फेल वो फेल है, आपको कोर्ट बुलाती है और आप जाते नहीं हो। वो सुना है ना, बुलाती है पर जाने का नहीं, तो ये फेलिंग टू अपियर की बात की जा रहे। ठीक है, ही शैल बी सब्जेक्ट टू द प्रोविजन रूल्स एप्लीकेबल टू द प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट रिस्पेक्टिवली हु डू नॉट अपियर, यानी कि जो कानून बना गया है वो वादी और प्रतिवादी के लिए दोनों समान है। अगर इनमें से कोई नहीं आता है तो कोर्ट को आपको रीजन बतानी पड़ेगी। और एक्स पार्टी को लेकर अगर मैं कहूं तो एक्स पार्टी जो होता है वो वन साइड होता है, तो इसके लिए प्रतिवादी को रेमेडी क्या है? रेमेडी का मतलब समझो आप बीमार है तो आप कौन सी गोली लोगे, तो इसमें आप एक्स पार्टी डिग्री के लिए आप ये जो गोलियां मैंने आपके सामने रखी है, एक मिनट, चार गोलियां लेनी है आपको। ठीक है, आप डॉक्टर के पास गए, आपको डॉक्टर ने चार गोलियां सजेस्ट की है। पहली कौन सी है? पहली गोली कौन सी है कि जो अग्रीव पार्टी है ना, जो प्रॉब्लम में है, उसको कोर्ट में आना पड़ेगा। अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जाओगे तो डॉक्टर आपका इलाज कैसे करेगा ना। तो ऑर्डर 9 रूल 13, तो ये जो एप्लीकेशन आपको करनी है 30 दिन में करनी है जब फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्री। ठीक है, डिक्री पास होने के बाद में 30 दिन के अंदर आपको ये करना पड़ेगा, वरना आप मर भी सकते हो। तो यहां पर क्या होगा, आर्टिकल 123 लिमिटेशन एक्ट लग जा रहा है। अब फिर आप बोलते हो कि डॉक्टर साहब इसके अलावा कोई इलाज है क्या? हाँ है ना, अपील में जाओ। अपील में कहाँ जाओगे? अंडर सेक्शन 96 में जाना। फिर बोलते हैं डॉक्टर साहब इसके अलावा कोई इलाज है क्या? हाँ भाई है। रिव्यू में जाओ, ऑर्डर 47 रूल 1 के अंदर। डॉक्टर साहब इससे कोई और अच्छा इलाज बता दो ना। हाँ भाई, और अच्छा बता देते हैं कि अगर ऐसी कोई सूट फाइल की गई है जो कि एक्स पार्टी डिक्री हुई है, अगर वो मेंटेनल नहीं है, क्यों? अगर किसी ने फ्रॉड के थ्रू जानबूझकर चीटिंग करके अगर इस तरीके का कुछ किया होगा तो डॉक्टर साहब आपकी मदद जरूर करेंगे। ठीक है, ये है आपकी रेमेडीज, यानी आपको चार गोलियां लेनी होगी। पहली गोली आपको क्या करना पड़ेगा? कोर्ट जाना पड़ेगा। कितने दिन का पीरियड है? 30 दिन में जाना है। डॉक्टर साहब और कोई इलाज? अपील है भैया। और कोई इलाज? रिव्यू है भैया। नहीं, अगर फ्रॉड ली किया है तो बच जाओगे, वरना मर जाओगे। ठीक है, समझ में आया?
और मैम अगर वो क्या कहते हैं वो भी नहीं दिया है, अगर समन नहीं भेजा उसके पहले तो वो भी हो जाएगा। ऑर्डर 9 रूल 13 आओगे ना अभी, समन नहीं भेजे की कथा जो स्टार्ट होगी ना, जो स्टोरी स्टार्ट होगी, फ्रॉम हियर इट विल बिगिन। आफ्ताब आपको रूल नंबर 12 समझा? यस चलिए मैम, समझा ना। अब रूल नंबर 13 पे आ जाइए। सेटिंग असाइड डिक्री एक्स पार्टी अगेंस्ट डिफेंडेंट। अभी ना एक एक शब्द का मतलब बताऊंगी मैं। रूल 13 स्टार्ट हुआ ना, आंखें पूरी ध्यान से लगाना। सेटिंग बाजू, असाइड दूर रख, किसे रखेगा? डिक्री को रखेगा। डिक्री कैसे हो चुकी है? जजमेंट हो चुका है। कैसी डिक्री है? एक्स पार्टी है। एक तरफा ऑर्डर और जजमेंट और एक्स पार्टी डिक्री हो गई है। किसके खिलाफ? प्रतिवादी के खिलाफ। ठीक है, बाजू रख, क्या रखेगा? डिक्री। कैसी डिक्री? एक्स पार्टी। किसके खिलाफ? प्रतिवादी के खिलाफ। ठीक है, अब इसका लीगल लैंग्वेज में मतलब समझते हैं। मैं आपको मेरे केस का एग्जाम्पल देती हूँ। ठीक है, आप एक सूट था, एक केस था, ठीक है, मैं उसमें लॉयर हूं। आप क्या हुआ, मुझे एक जैसे ही केस बड़ा आगे, ट्रायल चला, सब चला, सामने वाला आया ही नहीं, एक्स पार्टी हो गया। अगर आप एब्सेंट रहते हो कोर्ट में तो कोर्ट क्या करेगी? एक्स पार्टी ऑर्डर करेगी, यानी कि एक तरफा निर्णय, एक तरफा ऑर्डर, जिसको हम एक्स पार्टी कहते हैं। ठीक है, अब ऐसा हुआ कि मेरा ऑर्डर भी हो गया, जजमेंट भी हो गई, डिक्री भी हो गई, और मैं घर में गहरी नींद में सो रही थी, क्योंकि मुझे इस बात की खबर ही नहीं है, मुझे इस बात का पता ही नहीं है। अब डिक्री होने के बाद एग्जीक्यूशन में जाने से पहले देखो क्या हो गया ना, केस ही खत्म हो गया, सब कुछ मेरा खत्म हो गया। अब मेरी करोड़ों का पैसा जो था वो एक तरफा चले गया, तो मुझे तो टेंशन आएगी ना कि अगर मेरा ही पैसा चले गया, वो भी 1 करोड़ रुपया, तो मुझे तो लगेगा कि मैं क्या करूं। तो ये एक रेमेडी है आपके पास, ये एक रेमेडी है आपके पास कि आप एक्स पार्टी जजमेंट को भी सेट असाइड करा सकते हो। ये लॉ पॉइंट है, समझ के ले लो, एक्स पार्टी जजमेंट को भी आप सेट असाइड कर सकते हो। कैसे? रिव्यू फाइल कर सकते हो, एक बात। दूसरी बात, आप कोर्ट को ये कह सकते हो कि सर आपने एक्स पार्टी ऑर्डर जो किया है उसको रिव्यू किया जाए। और मैं आपको बता दूं कि कोर्ट रिव्यू करने के लिए तैयार ही नहीं होती, लेकिन ये ऑर्डर 9 रूल 13 जो है आपको चालाकी करना सिखाता है कोर्ट के सामने। कैसे करोगे? ये एप्लीकेशन दोगे। ठीक है, अगर आपका टाइम आगे बढ़ चुका है तो आप इसके साथ में डिले कंडोनेशन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 5 फाइल करोगे। यानी आप दो चीजें साथ में करेंगे, अंडर सेक्शन 5 डिले कंडोनेशन एप्लीकेशन, ऑर्डर 9 रूल 13 की एप्लीकेशन कोर्ट में साथ में डालोगे। ठीक है, आप कोर्ट में दोनों को प्रेजेंट करोगे, दोनों एप्लीकेशन को। आपका डिले मंजूर हो गया, पहले कौन सा डिसाइड होगा? पहले डिले डिसाइड होगा। आपका डिले अलाउड हो जाएगा तो ऑर्डर 9 रूल 13 का दरवाजा खुल जाएगा। पहले रीजन रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि डिले मतलब वो ये आ क्यों नहीं पाए थे उस दिन, डेट वाले क्योंकि हमें समझो हमें मालूम ही नहीं था ना, हमको कोर्ट ने समन्स ही नहीं भेजे थे, कोर्ट ने समन्स नहीं भेजे थे, हमको कहां से पता चलेगा? कोर्ट बोलेगी तुम लोगों को आजकल कंप्यूटर का जमाना है, आज ये जमाना है, तो हम लोग पूरा टाइम ये थोड़ी देखते बैठेंगे कि किसके ऊपर केस हो गया है। जनरली जो बात रियलिटी है, तो ये बात ऑर्डर 9 रूल 13 आपको समझ के चलने की है कि ये एक्स पार्टी डिक्री के बारे में बात करता है। एक्स पार्टी डिक्री, डिक्री, डिक्री। ठीक है, पहले ऑर्डर होता है, फिर जजमेंट होती है,
फिर डिक्री होती है, ठीक है। ही में अप्लाई टू द कोर्ट, वो कोर्ट को अप्लाई करेगा कि सर आपने जो डिक्री पास की है, आपने जो ऑर्डर पास किया है उसको सेटिसफाइड कीजिए, उसको आपने कैसे होने दिया। अगर आप कोर्ट को ये सेटिस्फाई करते हैं कि जो समन्स था वो आपको सर्व ही नहीं किया गया, मेरे एड्रेस पे आया ही नहीं था, ना मुझे टेलीफोन आया है, ना मुझे टेलीग्राम आया है, ना मुझे मैसेज आया है, ना मुझे व्हाट्सएप आया है, ना मुझे मेल आया है, मुझे कहां से पता चलेगा। तो दैट ही वॉज प्रिवेंटेड एट एनी सफिशियंट कॉज फ्रॉम अपीयरिंग, यानी कि यहां पर उसको सफिशियंट कॉज था ना, क्यों, उसको मालूम ही नहीं था, केस ही खत्म हो चुका है, उसको पता ही नहीं चला है। तो कोर्ट कहीं ना कहीं ऑर्डर करेगी वो डिक्री को सेटिसफाइड करने के लिए, लेकिन उसमें एक कंडीशन रखेगी, ठीक है, कॉस्ट भर दे, पैसा भर दे, हम तेरी ये इच्छा पूरी कर देते हैं, ठीक है। आपने कॉस्ट भर दिया तो कहीं ना कहीं क्या होगा, ये प्रोविजो देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों प्रोविजो प्री पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है, ठीक है। फर्स्ट प्रोविजो बोलता है कि वेयर द डिक्री इज ऑफ सच अ नेचर That it cannot be satisfied against the defendant. ये ऐसा डिक्री है जो प्रतिवादी के खिलाफ सेटिसफाइड होने की चांसेस ही नहीं है। तो ये कैसी डिक्री है, ये कैसा कैसी बात है। No court shall satisfy an ex parte decree merely on the ground irregularity in the service of the, अभी देखो हमने कोर्ट को क्या बोला, सर हमको तो सम्मन्स मिला ही नहीं था। कोर्ट क्या बोलेगा, तेरी इरेगुलरिटी की वजह से तो मैं कैसे मानूं कि तुझे समन्स मिला ही नहीं था। अगर डिफेंडेंट को नोटिस था कि डेट ऑफ हियरिंग के बारे में और उसको सफिशिएंट टाइम दिया गया था कि भैया तू आके अपियर हो जा, तेरे को अगर कोई भी क्लेम है तो तू आके बता, अगर ये नहीं करते हैं तो ये ऑर्डर सेटिसफाइड नहीं होगा। तो यहां पर मैंने एक केस लॉ और एक एक्सप्लेनेशन के थ्रू मैं आपको पूरा का पूरा क्लियर करती हूं। जहां पर अपील हुई है अगेंस्ट एक्स पार्टी डिक्री, तो ये अपील अगर डिस्पोज्ड हो गई, खारिज हो गई कि एपिलेंट ने अपील को ही विड्रॉ कर दिया, ठीक है, इस ग्राउंड पे कि अरे हमको तो सम्मन्स मिला ही नहीं था, हमको तो पता ही नहीं था, हम कहां से समझेंगे ये बात। तो ये जो ऑर्डर था ना, ये अपील में गया, सामने वाला बंदा जो एपिलेंट है, जिसके खिलाफ में ऑर्डर हुआ था, जिसको सम्मन्स नहीं मिले थे, वो कहां गया, अपील में गया, और इतना गधा है ये, इसने अपील विड्रॉ कर ली। तो कोर्ट क्या बोलेगी कि तूने विड्रॉ किया तो मैं क्या कर सकता हूं, खत्म हो गया मैटर, आपको चांस दिया था सेटिसफाइड करने के लिए, आप अपील में आने के बाद खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारोगे तो हम क्या करेंगे। अर्जुन सिंह वर्सेस मोहिंद्र कुमार 1964 की ये केस लॉ है कि ओनली डिफरेंस बिटवीन गुड कॉज, अच्छा कॉज, जो ये एनजीओ एक गुड कॉज है ना देखा जाए तो, और सफिशिएंट कॉज के बीच में डिफरेंस यहाँ पे बताया गया है कि एक रिक्वायरमेंट होती है कि जैसे आप गुड कॉज को कॉम्प्लाई करेंगे ना तो आपको लेसर डिग्री पे प्रूफ करना पड़ेगा। एक अच्छा कॉज बताओ कि मैं समझो मैं बीमार था, मैं हॉस्पिटलाइज था, उसके आपको डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होंगे, गोलियों का प्रिस्क्रिप्शन रहेगा। तो ये गुड कॉज और सफिशिएंट कॉज के बीच में अगर आप दोनों कड़ियों को जोड़ लेते हो ना तो कोर्ट कहीं ना कहीं आपको ये मान के अलाउ कर देगी, ठीक है। जहां पर एपिलेंट ने विड्रॉ किया है अपील तो ऑर्डर 9 और 13 मेंटेनेबल हो जाएगा, ठीक है। अगर 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 समझ के ले लो, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉ पॉइंट है, मैं घड़ी घड़ी बोल रही हूँ, मेंस के लिए भी आता है, और अगर आप कोर्ट में प्रैक्टिस करते हो तो 9-13 की एप्लीकेशन ये आपके लिए कैरम बोर्ड और क्वीन है, खेल गए ना तो आप खेल जाओगे, फिर सीपीसी को आपको कोई भी नहीं रोक सकेगा,
आ रहा है मेनका? इज इट गेटिंग, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? चलो, रूल नंबर 14, नो डिक्री टू बी सैटिस्फाइड विदाउट नोटिस टू द ऑपोजिट पार्टी. अब 913 का ऑर्डर तो प्रतिवादी को चाहिए कि सर मेरी भी सुनो, मेरी भी सुनो, मेरी भी सुनो. लेकिन इसमें वादी की थोड़ी गलती है. कोर्ट क्या करेगी, वादी को नोटिस निकालेगी कि देख ये डिक्री को सैटिस्फाइड करने के लिए कोर्ट में आया है, तुझे इसके खिलाफ कोई जवाब देना है. ये नो डिक्री शैल बी सैटिस्फाइड सिर्फ एप्लीकेशन. देखो मैंने क्या बताया, ऑर्डर 9 रूल 13 की एप्लीकेशन करनी पड़ती है. ठीक है, 14 में आपको ये बोला जा रहा है हो जाएगा, लेकिन इसके लिए सामने वाले को नोटिस भेजा जाएगा और उसको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी. ठीक है, तू भी बोल. ठीक है, ना उसके साथ बुरा होगा ना उसके साथ बुरा होगा. ठीक है, तो ऑर्डर 9 रूल 13 वेरी इंपॉर्टेंट, ऑर्डर 14 उसका कहीं ना कहीं एक्सटेंशन है. तो ऑर्डर 9 13 12 13 14 को हमेशा साथ में पढ़ना चाहिए. एनी प्रॉब्लम ऑर्डर 9 को समझने के लिए? आफ्ताब, समझ में आया? यस मैम, आ गया समझ में. पारा, आपको? यस मैम. यस मैम, आ रहा है थोड़ा थोड़ा थोड़ा, क्योंकि आपका बहुत लॉन्ग गैप हो गया ना इसको पढ़ने के लिए, इसीलिए शायद प्रॉब्लम हो रही है अभी. मैम, आज आपने कोई ड्राफ्ट दिखाने के लिए कहा था? हाँ, ऑर्डर 6 रूल 17 का ड्राफ्ट दिखा रही हूँ, डोंट वरी. चलो, रिकॉर्डिंग स्टॉप करो.